जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। साथियों नमस्ते, ये है मणिकर्ण, हिमाचल का एक जगह है जहाँ पर शिव मंदिर है और आप देखेंगे कितना अद्भुत ये नजारा आपको दिखेगा कि शायद इससे पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। जो लोग ऐसा सोचते कि ईश्वर नहीं है, वो इसे देखने के बाद कभी उनको इस तरह की गलत फहमी नहीं होगी, उनको यकीन होगा कि ईश्वर है, दैविक शक्ति है, जिसकी वजह से यहाँ की जो पूरी प्रकृति है बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ पूरा ठंडा है, दूसरी तरफ पूरा गर्म है। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पर उबलते हुए पानी के कुंड। आप देख रहे हैं इतनी तेज ये पानी उबल रही है कि जिसको शायद किसी साधन के माध्यम से इतना तेज उबाल नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे सभी लोग स्नान करते हैं। उस कुंड में जब प्रवेश करो तो लगता है शरीर जल जाएगा, लेकिन प्रवेश करने के बाद टेम्परेचर जो है शरीर का एकदम बराबर हो जाता है और शरीर में थोड़ी भी पीड़ा नहीं होती है इसके ताप के कारण। तो सचमुच पूरी तरह अद्भुत है ये। और आप इधर देख रहे हैं ढका हुआ पात्र है जिसमें ये भोजन पकाते हैं, चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं। तो सचमुच ये पूरा दृश्य अद्भुत है और इसकी मौजूदगी से ऐसा यकीनन हर कोई मान लेता है सहज में और सच में मानने को मजबूर हो जाता है कि इस सृष्टि में कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से पूरी सृष्टि संचालित हो रही है, व्यवस्थित है और अपने कार्य में सब कुछ अपने समय पर हो रहा है। कि आप जो ने देखा नदी बह रही है पहाड़ों के बीच से, वो पार्वती नदी के नाम से जानी जाती है। और इस जगह पर हमें जिस जगह को कहते हैं मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ बहुत ही अद्भुत प्रकृति है। एक तरफ ठंडी जल की धारा बह रही है और दूसरी तरफ ये धुंध देख रहे हैं। यही शिव मंदिर में एक बहुत ही बड़ा उबलता हुआ पानी का कुंड है। उस उबलते हुए पानी के कुंड की धुंध देखें, इस तरफ देखें, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा धुंध है ये, कितनी राती ताप होगी जिसको देख करके यकीन नहीं हो सकता कि विषमता एक साथ पाई जाती है। जरूर आइए मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत जगह पर। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।